हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिल्ली टू खाटू श्याम एंड सारसर धाम बस यात्रा का पार्ट टू। तो जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो जाके देख लेना, फिर इसको देखना। अभी मतलब मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी धीरे धीरे सभी लोग नहा के रेडी हो रहे उधर की साइड चल रहा है लंच लंच या ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, आज मैंने येलो पहना बिल्कुल। और अभी हम जाएंगे खाटू श्याम, खाटू श्याम के बाद जाएंगे हम सालासर धाम, उसके बाद हम इधर ही आएंगे वापस। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कैमरा जो एक जगह पे रख दिया है, ये है मेरा वही वाला टॉप है जो मैंने मीशो से मंगवाया था। फ्रेंड्स, मैंने पहना है ये टॉप और ये शॉर्ट। अभी मेरा आइडिया है नहाने, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था और अभी सब रेडी हो चुके हैं। चार बैंडेड लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लग रही है बहुत ही ज़्यादा गंदी। गाइस, हम इतनी सारी चीज़ें रहते थे खाने पीने के लिए, पर मेरा मतलब मन ही नहीं करा। जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर इधर मतलब बस में खाने पीने का मन नहीं करता। और बस वाले अंकल ने भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लड्डू दिए, बनाना दिया और क्या नाम है, चिप्स दिए, फ्रूटी दिए, पर मैंने वो भी नहीं खाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा। तो अब मैं यहीं पर खाऊँगा तो थोड़ी बस में देखूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम सब निकल रहे हैं चार। चप्पल अभी अपने रूम में उतार के जा रहे हैं, मतलब मेरे तो शूज हैं। कितने बजे बोला था खाने के? 12 बजे हमें जाना भी है खाना। लाइन लगी हुई है, लाइन में लगता है, लाइन में फालतू में लाइन लग जाती है। लाइन आ गई है, या तो ऐसे ही खड़े हैं, आगे जाओ, लाइन नहीं है, आगे जाओ आगे, या लाइन नहीं है कुछ भी, व्यवस्था बदली करो, आगे आगे जाओ सीधे, लाइन वाइन फिर कर लेना होगा आगे तक। हाँ, मना करें करें, ये कोई लाइन थोड़ी है, क्यों लगे लाइन में? मना करो, दुकान वाला करें, यहाँ से खड़ी होती लाइन। उस साइड चलो, उस साइड, उस साइड। गाइज, यहाँ पर मतलब हम वहाँ खाटू श्याम के दर्शन करके आ गए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, मस्त से बिल्कुल आराम से दिख रहे थे और बिल्कुल ही क्लियरली। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई शिव भोजनालय जो कुछ भी है कुछ, तो यहाँ पे अभी हम खाएंगे क्योंकि जो हमारे जो धर्मशाला में जो लंच है वो 12 बजे का है। और वो यहाँ से हम इत्र भी लाए थे, उन्होंने बोला था दो इत्र हमने वहाँ लिए, तो उन्होंने बोला कि 3 लेके जाते हैं और 1 घर लेके जाते हैं। तो वहाँ से देखो, मैंने वाला लॉकेट भी लिया। तो अभी हम बैठे हैं अपने मतलब कहीं वहीं पे भोजनालय में, तो यहाँ से अभी कुछ खाएंगे, कड़ी कचौड़ी। दर्शन करने के बाद हम वापस अपनी धर्मशाला में आए हैं।
तो हम ना हम श्याम कुंड में नहीं गए थे, तो अभी हमने अपना सारा सामान रख दिया है अपनी धर्मशाला में, मतलब जो हमारा रूम है, उसके बाद अभी हम जाएंगे कुंड में। तो ये हमारा वाला टीका लग रहा है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं वापस। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं वापस। हम वापस इसलिए आ गए क्योंकि हम शाम को जा रहे थे, पर उधर एकदम से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो हम वापस आ गए बिल्कुल फंस गए थे बिल्कुल ही, आ भी नहीं पाए थे वापस, इतनी भीड़ हो गई थी। तो हम तो एक बार ना मैं आपको अपने रूम का टूर करा। ये होती है एंट्रेंस, यहाँ से हम उधर से आते हैं, उधर वाली स्टेट से, फिर इधर होती है एंट्रेंस, और फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, और विंडोज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाएंगी। फिर ये है वॉशरूम, बाथरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो स्पेस काफ़ी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा शावर भी लगा हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको विंडो मिल जाएंगी, विंडो से आपको ये वाला व्यू देखने को मिलेगा बाहर का। और फिर यहाँ पे एक ये है, और ऊपर जो कि है ये भी है जिसका हमने टॉवल्स ये, और आपको प्लस एक अलमीरा मिल जाएगी, और ये वाली जिसमें हमने अपना बैग वैग रखा हुआ था तो अभी हटा दिया, और वॉल पेंटिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने जो है मतलब वो रख दिए हैं चादर वद्दर जो थी, और इधर भी काफ़ी सारे, इधर से चलेगा पैन, फिर चलिए पैन ये देखो, और इधर भी, फिर इधर भी आपको एक वॉल पेंटिंग मिल जाएगी, इधर भी आपको एक प्लग मिल जाएगा, और ये पांच जनों को आपको फुल बेड मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, तो मतलब बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेड है ये। तो ये था जिसमें भी हम रह रहे हो उसका टूर। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, मतलब ये सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट आएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे हूँ तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आयो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।